भाई साहब पानी देखो। जैसे तो ये नदी है लेकिन बहुत सालों से नाला बन चुका है यार। लोगों ने इसमें यार अपने ड्रेनेज का पानी छोड़ रखा है। अभी लगती है कि नदी है यार कुछ तो पानी। जो पोल्यूशन हम इंसानों ने किया है ना, और आगे हमको जो कुछ देखना पड़ेगा ना यार, बहुत बहुत बुरा होने वाला है आगे। आई थिंक गिर गए यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल PLS व्लॉग। आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे बच्चे का बर्थडे, हमने एक साइकिल बाय की थी, परचेज की थी। तो मेरे बच्चे का बर्थडे कल प्रियांश का, तो आज मैं जा रहा हूँ उसके लिए एक केक बुक करना है। भैया बर्थडे तो केक तो बनता है। ये तो हमारी ही गाड़ी है, ऑलरेडी भाई इधर ही है। वो मेरा भाई है सामने खड़ा। मैंने सोचा था केक लेने जाएंगे, ऑलरेडी भाई यहाँ पे पहुंच चुका है। क्या क्या तो ये है मेरा छोटा भाई पराग। मेरे एक दो ब्लॉग में आपने इसको देखा ही होगा, जब प्लास्टिक की हमारी डिलीवरी थी उसमें भी था। बहुत दिन हो गए यार। ये जो हमारी स्टेला है ये एक्चुअली बैटरी पर है, मतलब टोटली बैटरी पे है। इसका भी मुझे रिव्यू करना है लेकिन यार ये बारिश की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों केक की ऑर्डर हो गई है कंफर्म, केक आएगा कल और ये ब्लॉग एंड भी होगा कल। तो देखते रहिए कंटिन्यू। मिसल पाव बनेगा घर पे। भाई टिपिकल मराठी फैमिली है, कभी पाव भाजी बनती है तो कभी मिसल पाव बनता है। ये पीछे आ गए पाव। अभी भी केक शॉप पे जा रहा हूँ।
ये द केक फैक्ट्री, सकाळी फोन केला होता. हा ये कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट. ये बेल्जियन चॉकलेट. ये वाला बेल्जियन चॉकलेट थे आकाश आकाशा था. और ये वाली इधर पाइनएप्पल. ओके पाइनएप्पल बटर बटर स्कॉच. ये नीचे वाली काजू मलाई ना? हाँ काजू मलाई. काजू मलाई चॉकलेट बॉन अभी मैं हूँ केक फैक्ट्री में. द केक फैक्ट्री जो कि जेट रोड पे है. मैं लास्ट 4 से 5 साल से इनसे ही केक लेके जा रहा हूँ. मेरे साथ एक पाटिल सर है तो इनका ये शॉप है. आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बस इतना अपना जो स्पेशल है काजू मलाई रसमलाई आप एक बार टेस्ट करके देखिए. हाँ भाई इनका काजू मलाई और रसमलाई बहुत स्पेशल है. मैं 3 साल से हर बार काजू मलाई ही लेके जाता हूँ. ये मेरा थर्ड टाइम है जो मैं काजू मलाई लेके जा रहा हूँ. आप आइए तो अच्छा लगेगा. केक फैक्ट्री नाम है, जेल रोड पे आता है, नासिक में. थैंक यू भैया. केक का काम हो चुका है ख़त्म. अभी मैं जा रहा हूँ घर और कुछ एक दो सामान लेने हैं बस. बाकी कुछ नहीं. और एक बहुत बड़ा काम बाकी है यार. गणेश जी की मूर्ति लेनी है. सबसे बड़ा काम है वो. गणेश जी की मूर्ति अभी लेनी है. फ्रेंड का शॉप है. आज तो नहीं होगा पॉसिबल. कल मैं जरूर जाऊंगा. कल जाके गणेश जी की अच्छी सी मूर्ति लेनी है भाई. उसमें भी हमारी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. बाद में कभी बताएंगे. शॉर्ट में बता देता हूँ. जब गणपति थे तो हमारी फैमिली में बहुत कोई दूर के एक्सपायर हो गए थे तो तब से हमारे घर में गणेश जी नहीं आते थे. लेकिन फिर अगर हमको कोई देता है इसका मतलब हमारे घर में गेस्ट गणेश जी होते. गेस्ट होते हैं जो दूसरा कोई हमको लेके देता है. पहले तो मेरी बुआ देती थी लेकिन अभी मेरी सिस्टर देती है. तो बस यही शॉर्ट स्टोरी है यार. ये बहुत बज रहा है. एक मिनट रुक के ना. मेरा केक भी सब काम हो चुका है. अभी मैं घर जा रहा हूँ. ये आ गया केक. उसके बाजू में जलेबी. ये इधर पाव. और कुछ बचा है कि घर पे फोन करके पूछ लेता हूँ भैया. नहीं तो बाद में बोलेंगे ये नहीं लाया वो नहीं लाया. ठीक है मैं अभी सीधे मिलते हैं बर्थडे पे घर पे.
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 19 अगस्त 2020 ये 3 दिन का ब्लॉग आज एंड हो रहा है। क्या करें भैया, कल बहुत टाइम हो गया ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया, तो सोचा आज ही कर दूं। भैया बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है नासिक में, आज 8-10 दिन हो गए बिल्कुल पूरा आसमान काला है यार। 15 अगस्त की राइड भी हमारी ऐसी चली गई बारिश की वजह से, जा नहीं पाए, क्या करें यार। चलिए ठीक है साथ, इसी ब्लॉग को करते यहीं पे एंड। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय जी।